हम रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए, लेकिन आपदा की इस घड़ी में हम कहीं भी कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मेरा ये प्रयास है, किसान बागवान बड़ी मुश्किल से साल में एक बार सेब की फसल उगाता है। अगर उसकी फसल सही समय पर मंडी में नहीं पहुंची, उसे नुकसान हो गया, तो उसकी जो आर्थिक बजट है वो खराब हो जाएगा। मेरा प्रयास इसी कड़ी में आज जितने भी बागवान वाले क्षेत्र है उसमें जाने का है। पिछले दिनों मैंने यहाँ अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी को भेजा, सभी जगह मंत्री इसकी ड्यूटी लगाई है, और जब मैंने आज खुद देखा तो मैंने ये फैसला किया कि अभी तुरंत प्रभाव से जो हमारा छपाल का डिवीजन है, छोटे टेंडर लगाकर 7 दिन के अंदर टेंडर लगाकर उस कार्य को अगले 10 दिन में पूरा करने की हमने ठानी है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं। सेब के जो बॉक्सेस है वो छोटी गाड़ियों से निकालने के लिए अभी हमारे पूरे रोड शुरुआत कर चुके हैं, सिर्फ 2 रोडों में रहा है। पर मैंने कहा कि जहां रिटेनिंग वॉल भी लगनी है, और किसी बागवान ने अपने बगीचे से रास्ता दिया है, उसका बगीचा खराब हुआ है, बाद में उसको ठीक करने के लिए अगर उसको रिटेनिंग वॉल भी लगानी पड़े तो हम उसके लिए भी पैसा उसको उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टिकोण से अभी मैंने अधिकारियों की बैठक ली और 3.5 करोड़ रुपया मैं अभी चपाल डिवीजन में दे के जा रहा हूँ। डेढ़ करोड़ की पहली किस्त आ चुकी है और बाकी 2 करोड़ आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। और एक्शन SC बिजली बोर्ड सबको ये डायरेक्शन दी है, किसी प्रकार की तकलीफ भी चपाल की जनता को नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने देखा कि कईयों के घर उजड़ गए हैं, कईयों के घर बसने लायक नहीं है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि जहां लोगों के घर उजड़ गए हैं और वो जगह बसने लायक नहीं है, उसकी अगले 6 महीने में अल्टरनेटिव जमीन देखेंगे और उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह हम लाने की कोशिश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।